इसमें शक नहीं है, ये डेफिनेटली मतलब है कि अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो बैनर साहब ने पूरा रखा हुआ है ना, कई लोग आते हैं बैनर पूरा नहीं रखते, ये ऐसे वैसे वैसे वो ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ, ना मैंने किसी और फार्मर को देखा है जो वहाँ अपनी मछली लाया हो और उसकी बिकी ना और वो वापस लेके गया हो। वो मतलब है कि इसकी सेल करना कोई इशू नहीं है, फौरन दे। बस आप लोग अल्लाह का नाम ले इसको शुरू करें, बहुत नफा बख्श कारोबार है, इंशाल्लाह इसमें नफा है। बाखबर किसान यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलिएगा। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और तकरीबन पिछले 1.5 साल से ये डैम मेरे पास है और मैं इसमें फ़िश फार्मिंग कर रहा हूँ और इसमें मैंने फ़िश रखी हुई है, छोटा बच्चा लेके आया था और वो उसमें पाल रहा हूँ। ये जो पानी खड़ा है जिस एरिए में, ये 40 एकड़ का एरिया है जिसमें इस वक्त पानी खड़ा है। मछली जो है ना ख़ुद अपने आप को मेंटेन रखती है, सर्दियों में मछली नीचे चली जाती है क्योंकि पानी नीचे गर्म होता है, जब गर्मियों का सीज़न आता है तो मछली ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। ये बच्चा हमने मंडी बहुद्दीन से ख़रीदा है, वहाँ पर इसकी हैचरीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट साइजेस के, वहाँ पे 2 इंच का भी होता है, 3 इंच का भी होता है, बल्कि वहाँ पे इसका अंडा भी सेल हो रहा होता है और वो लीटर के हिसाब से सेल होता है। यानी वो उनके पास एक बर्तन सा होता है, उसमें वो लीटर काउंट कर लेते हैं। वहाँ पे एक मछली जो है कम से कम 4 लाख अंडे देती है, यानी वो बच्चे देती है। बस हैचरीज वाले उसको पाल रहे होते हैं, कुछ अंडा ख़रीदते हैं वहाँ से, कुछ बच्चे ख़रीदते हैं। जैसे मेरा काम ऐसा था कि मुझे बच्चे की ज़रूरत थी, लिहाजा मैंने वहाँ से बच्चा ख़रीदा। बच्चे का रेट मैंने आपको बताया 2 से 3 रुपए के दरमियान में इंच का रेट है। अब वो जितने इंच का मैं लूँगा, ज़रा बड़ा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, छोटा बच्चा वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एक तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर यहाँ पे भी ज़ाया हो जाता है, तो थोड़ा सा बच्चा जो है ना बड़ा लेना चाहिए। जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, कम अज़ कम 4-5 इंच का बच्चा आप लें तो वो सर्वाइवल ईजी हो जाता है। वहाँ ख़रीदते हैं, वो शॉपरों में आपको पैक कर देते हैं, फिर वहाँ से इसी तरह शायद और गाड़ी होती है, उसमें लोड करके शापर के अंदर पानी भी होता है, पानी को वो ऑक्सीजन लगा के देते हैं ताकि रास्ते में बच्चा मरे ना। और वो हमें वहाँ से इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जब आपने गाड़ी लोड कर ली तो कहीं पे रास्ते में रुकना नहीं है, यानी उसको गाड़ी को हल्के हल्के जंप्स मिलते रहते हैं स्टार्ट होने के बाद ना, तो वो उसके अंदर पानी थोड़ा सा वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो वो मछली का बच्चा जो है ना सर्वाइवल ईजीली करता है। इस तरह उसको हम ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर ले कर आते हैं, यहाँ पर उसको हम शापर खोलते हैं। खोलने के लिए भी उन्होंने हमें तरीकाकार समझाया था कि इस तरह करना है कि जो पानी इसका है पहले डैम का थोड़ा सा पानी उस शापर के अंदर मिक्स करना है ताकि पानी का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए, क्योंकि मछली उस टेम्परेचर में आ रही होती है, एकदम दूसरे टेम्परेचर में जाती है तो उसका मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो सकता है। उस मोर्टेलिटी रेट को बचाने के लिए फिर हम दोनों पानी को मिक्स करते हैं, जैसे ही मिक्स करते हैं साथ ही वो पानी बच्चा जो है ना पानी के अंदर फ्लोट कर देते हैं। खुराक में इसको जो है ना मुर्गी का फजला होता है ज़्यादातर वो इस्तेमाल होता है, मतलब है कि एक तो वो आपको सस्ता पड़ता है, सेविंग हो जाती है उसमें, ट्रक इजीली मिल जाता है, कंट्रोल शेड से आप एक ट्रक लोड कराएं और इसके अंदर डाल दें। तो इसके अलावा इसको यूरिया DAP भी लोग लगाते हैं, राइस पाउडर जब बच्चा होता है इसको राइस पाउडर भी लगाया जाता है, तो जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो फिर राइस पाउडर की ज़रूरत नहीं रहती, यूरिया DAP और ये जो मुर्गियों का फजला है जिसको विट कहते हैं वो लगाना इसको ज़रूरी है। पानी का कलर हमने ग्रीन रखना होता है, जितना ग्रीन होगा इसका मतलब है कि पानी इस वक्त आपका उसमें फीड मौजूद है और मछली उसको खा रही है। यूरिया इसलिए डाला जाता है कि पानी को थोड़ी ताकत मिलती रहे और उससे भी फिर फिश की ग्रोथ जो है ना बहुत बेहतर हो जाती है। जो ग्रास मछली आपकी वो लेती ही नेचुरल चीज़ों से, मतलब जो अंदर ये ग्रीन चीज़ें होती हैं घास पोंस ये वो खाती है, इसीलिए उसको ग्रास कहते हैं। ये हमने वैसे तो यहाँ मुलाजिम रखे होते हैं, 2 मुलाजिम होते हैं जो यहाँ 24 घंटे रहते हैं। एक तो मछली को हमने चोरी से बचाना होता है ताकि लोग आसपास के आके पट्टियाँ और राड और कुंडे लगा के इसकी गैर कानूनी शिकार ना करें, उस मकसद के लिए हमने 2 मुलाजिम रखे होते हैं जो 24 घंटे यहाँ ड्यूटी देते हैं। उनको एक हमने किश्ती बना के दी है और उनकी ये ड्यूटी है कि वो सुबह फजर के वक्त एक दफ़ा डैम के अंदर जाएँ, चेक करें कि कहीं पे पट्टी तो किसी ने नहीं लगाई हुई। इसी तरह रात को भी 11-12 बजे वो तो डैम के अंदर जाएं और चेक करें कि कहीं पे पट्टी तो नहीं लगी। नॉर्मली जो लोग चोरी करने आते हैं वो रात के टाइम आते हैं, दिन को लोग इस तरह नहीं करते, तो इसलिए वो उनको वो किश्ती बना के दी है कि वो इसमें चक्कर लगाएँ और चेक करते रहें। हम जब आते हैं हम सिर्फ ये देखने आते हैं कि इस वक्त जो पानी की पोजिशन है वो क्या चल रही है, मतलब फीड की उसकी ज़रूरत है नहीं है,
अगर वो थोड़ी सी कम हो रही है तो हम फौरी तौर पे उसको अरेंज करके मेंटेन रखते हैं। पानी का वो कलर हमने मेंटेन रखना होता है, फीड की कमी नहीं होनी देनी मछली को। ये शिकारी तो देखें, शिकार डैम के अंदर मैं आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे बस की बात नहीं, हमारी ट्रेनिंग नहीं है। ये हमें तकरीबन दादे परदादे करते हैं, शुरू से हमारा काम ये माई गिरा है मछली पकड़ना। ये तराकी भी आती है, जिसका काम हो गया उसको फिर तराकी भी आती है ना। हमें पहले उधर से शुरू होते हैं, ये आज लगाए हैं ना, सुबह निकाले हैं जाल, निकाल के फिर जो वो पट्टियाँ लगी हुई हैं ना, ये तो कोठी है, जो मच्छी जाएगी ना इसके बीच में जाएगी, ये कोठा बना हुआ है। बाकी जो है जाल छोटे छोटे जो लगे हुए हैं तो वो एक रात लगाएंगे, दूसरी रात निकालेंगे, निकाल के आगे टोरेंगे, आगे कोठी लगाएंगे। वो इस तरीके से फिर मच्छी जो है ना आगे आगे टोर के फिर इधर से इकट्ठी करनी होती है। पूरा तो हम हर पास करते हैं शिकार, सुहावे से, गुजर खान से, पिंडी, चकवाल, गुजरात, हर पास जाते हैं। जाल ये हर साइज का जाल होता है ना, छोटी मछली का, बड़ी मछली का, ये हम उधर से लाहौर से ले आते हैं ना। देखो ना, एक बड़ी है एक छोटी है। ये कोठी जो है ये इसमें तो मन मन का भी मछली आवे तो बीच में जाती नहीं, ये तकड़ा टीढ़ा जाल होता है जी। ये तो ज़ाहिर बात है ना, जैसे आदमी होता है ना कि को आदमी को ऐसी को बात होवे तो नसना होता है ना, छुपना होता है। मछली भी ऐसी है ना, इस जान तो बचानी है ना। तो बैनर साहब ने पूरा रखा हुआ है ना, कई लोग आते हैं बैनर पूरा नहीं रखते, ये ऐसे वैसे वैसे वो फिर हमारे को भी डरा छोड़ते हैं। ये कि हम तो तराके तैर जाएंगे तो अपन जरा अनजान बंदा है ना, वो तो आपको पता है कि वो तैर नहीं सकता, वो हमारे को डूबेगा, इसलिए हम बिठाते नहीं हैं। लेकिन आप तो माशाल्लाह सोने बैठे हैं, पूरा मेहनत रखा हुआ है। जब बंदा लगाता है ना आगे पट्टियाँ लगाने, पट्टियाँ लगा के फिर जो है ना मच्छी को आगे आगे टोरना होता है, फिर सारी मछली इधर से इकट्ठी करनी, जमा करनी होती है, तो एक वाली मछली निकालनी होती है। तकरीबन जो है ना 8 से 9 दिन लगते हैं। हम जा रहे हैं, हम अपने ठिकाने के पास जा रहे हैं, मछली निकालेंगे बाहर, वो गड्डी में डालेंगे तो बर्फ लगाएंगे, मछली भेजेंगे चली जाएगी। लेकिन जो दरिया सिंध है ना उसमें बहुत बड़ी बड़ी मछली है, दो दो तीन तीन मण का दाना होता है एक। इनके पास इक्विपमेंट भी पूरा होता है, मतलब ये बोट्स चाहिए होती है, पट्टियाँ चाहिए होती हैं, जाल चाहिए होता है। वो फिर आके इनको जब हम बुलाते हैं तो ये एक सिरे से शुरू हो जाते हैं शिकार पट्टियाँ लगानी, स्टेप बाई स्टेप। वो एक दिन आते हैं मसलन शाम को, अगर इन्होंने पट्टी लगाई है वहाँ पर, अगले दिन सुबह उसमें से वो मछली निकाल लेते हैं और अगले दिन वो पट्टी शिफ्ट करते हैं नेक्स्ट डे। यानी एक जगह पट्टी को वो दो टाइम यूज़ करते हैं, एक दफ़ा शाम को, एक दफ़ा सुबह उसमें से मछली निकालते हैं, एक दफ़ा सुबह और एक दफ़ा शाम को। जब निकाल देते हैं तो मट्टी पट्टी को मज़ीद आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो जो इनकी पट्टियाँ हैं वो 20 से 40 फिट की होती हैं, वो बिल्कुल यूँ सीधी खड़ी हो जाती है पानी के अंदर। ऊपर उन्होंने थर्मोपोल की शीटें लगाई होती हैं जगह जगह पर, ताकि वो ऊपर नीचे ना जाए, नीचे उन्होंने वेट लगाया होता है। वो इस तरह दीवार बना देते हैं पानी के अंदर, एक ये बनाई एक ये बनाई, तो बीच में जो मछली होती है वो जब इधर जाती है या इधर जाती है तो उसमें फंस जाती है। फिर ये बोट पे जाते हैं और एक एक मछली उस जाल के अंदर से निकालनी शुरू करते हैं। बेसिकली ये उस मछली को वहाँ से चला रहे होते हैं। अब हमारी जब इन्होंने डैम के शिकार शुरू किया उस साइड से शुरू किया था और चलाते चलाते इस जगह पे ले आए हैं। अब ये ज़रा तंग जगह है, यहाँ आके इन्होंने मछली को फंसा दिया है। मछली ख़ुद भी बड़ी, मैंने आपको शुरू में बताया कि बड़ी तेज़ होती है, शिकार का उसको फ़ौरन पता चल जाता है। जब पट्टी यहाँ लगी होती है तो मछली यहाँ आके खड़ी हो जाती है, उस तरफ जाती ही नहीं है। वो जब नेक्स्ट पट्टी यहाँ लाते हैं तो मछली और पीछे चली जाती है, उस एरिया में घूमती है लेकिन उस तरफ नहीं जाती है। इसी तरह यहाँ आके वो एंड में बिल्कुल फंस जाती है। यहाँ आके ये इनके पास एक जिसको ये कमरा सा होता है, इसको ये कोठी कहते हैं अपनी ज़बान में, वो लगा देते हैं। और इस अगर आप मेरे डैम में देखें, ये रास्ता इन्होंने बंद कर दिया, अब मछली डैम की तरफ मज़ीद नहीं जा सकती, उधर ही रहेगी। तो यहाँ आके ये कोठी लगाते हैं तो सारी मछली इस एरिए में आ चुकी हुई है। उधर से ये दोबारा पट्टियाँ लगानी शुरू करते हैं और मछली को इस तरफ चलाते हैं। मछली जब उधर पट्टी लगती है तो इधर दौड़ती है, जब दौड़ती है तो वो आके इस कोठी के अंदर फंस जाती है। और इस कोठी के अंदर बस दफ़ा 200 मन, 250 मन, 300 मन, कुछ पता नहीं चलता, 50 मन जो मछली इसमें चली जाए। ऐसा भी होता है कि मछली डर जाए और वो वहाँ पे पट्टियों के दरमियान में खड़ी हो जाती है, और फिर वो दो दो दिन खड़ी रहती है, वहाँ से हिलती नहीं है, वो ना कोठी की तरफ आती है ना पट्टी की तरफ आती है, या वहाँ नीचे थोड़ी सी बैठ जाती है, मूवमेंट नहीं करती वहाँ पर। फिर वो शिकार थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए।
अगर मछली ये चला पड़े और कोठी में एक दफ़ा आ जाए तो फिर अच्छी उसमें से आप वो निकाल लेते हैं। जब ये वहाँ से बोट में लोड कर लेते हैं तो बोट में लोड करने के बाद यहाँ पे किनारे पे एक पे ले आते हैं, यहाँ पे आके ये मछली को बोट से बाहर निकालते हैं और उसके बाद ये कट लगाना शुरू करते हैं, पेट चेक करते हैं इसका, उसके अंदर से आंतड़ियाँ सी बाहर निकाल लेते हैं। आंतड़ियाँ निकालने के बाद वो मछली जो है मतलब कि मार्केट में जाने के काबिल हो जाती है कि सेल करें। शुरू के दिनों में चूँकि जब शिकार हो रहा होता है, एक तो पहले दिन अच्छी मछली फंसती है क्योंकि उस वक्त मछली को बिल्कुल पता नहीं होता कि शिकार होना है, तो वो एकदम फंस जाती है। सेकंड डे से मछली कॉन्शियस हो जाती है। वहाँ पे अगर पहले दिन आपने 10 मन निकाला है तो दूसरे दिन 2 मन 3 मन, इससे ऊपर आपकी एवरेज नहीं जा रही होती है, बहुत हुआ 5 मन चली जाएगी। तो अब अगर 5 मन वो निकलती है तो हमें ट्रांसपोर्टेशन में वारा नहीं खाती, लिहाजा उसके लिए हमने डीप फ्रीज़र रखे हुए हैं, बर्फ़ मंगवा लेते हैं और उसमें उसको डंप कर देते हैं। जैसे ही वो 15-16 मन का एक लोड बन जाता है कि सुजुकी का हो और वो दूसरे तीसरे दिन तकरीबन बन जाता है, फिर हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं और मंडी में बेच देते हैं सेल करने के लिए। अच्छा, मछली की बीमारियों का भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि मछली में जो हमें एक्सपीरियंस है 1.5 साल में बिल्कुल कोई बीमारी नहीं आती। इसको एक ही बीमारी लगती है, उसको कहते हैं हार्ट अटैक, जो कि इसको सावन के महीने में यानी जुलाई और अगस्त, मिड जुलाई से मिड अगस्त तक जो सीज़न होता है, जो पाकिस्तान में सावन का या जुलाई जिसको कहते हैं, उसमें ऐसा होता है कि हवा रुक जाती है। वो हवा रुकने से पानी में लहरें नहीं बनती, वो इसको हार्ट अटैक एक वाहिद ऐसा धड़का होता है कि जिससे होता है और मछली मर जाती है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि मछली मर के सुबह जब वो आते हैं देखते हैं डैम के ऊपर मछली मरी हुई पड़ी हुई है, वो तैर के ऊपर आ जाती है। उसके लिए हमने तो कम से कम ये हाल निकाला है कि जो किश्ती रखी हुई है उसको दिन में 1-2 दफ़ा राउंड देते हैं पानी के अंदर, जैसे ही हम उसको चलाते हैं तो दूर तक वो लहर बनाती हुई जाती है, तो वो पानी मूवमेंट में रहता है, लिहाजा हमें अभी तक ये इशू नहीं हुआ हार्ट अटैक वाला। आप अपने बखबर किसान के ज़रूरी माहरीन से भी मशवरा कर सकते हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे क्योंकि वो इस पर काफ़ी काम कर रहे हैं लाइफ स्टॉक और बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर वाली साइड पर, लिहाजा उनको भी काफ़ी आइडिया है और वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं। नॉर्मली तो पाकिस्तान में लोगों के जहन में यही है कि सर्दियों में जो है ना मछली वो होती है, और शिकार भी नॉर्मली लोग जो है ना तकरीबन अक्टूबर नवंबर से शुरू करते हैं और जनवरी में आके फरवरी तक मैक्सिमम इस ड्यूरेशन में लोग शिकार करते हैं और अपनी मछली सेल करते हैं। वैसे एक बात आपको बताऊं कि मछली की जो बेस्ट ग्रोथ होती है वो होती भी गर्मियों में है, ठीक है, लेकिन मार्केट में कोई मसला नहीं है, मैंने देखा है कि बहुत ईजिली सेल हो जाती है। छोटी मार्केटें जैसे पिंडी या चकवाल की मार्केट है, ये तो बंद हो गई होंगी इस वक्त, लेकिन हम हसन अब्दाल लेके जाते हैं, वहाँ 12 महीने इसकी सेल होती है। KPK से वहाँ बहुत गाहक आता है तो वहाँ पे 12 महीने, वो उन लोगों से जब मेरी बात हुई थी तो वो कहते हैं कि हम सिर्फ एक ईद वाले दिन एक छुट्टी करते हैं और इसके अलावा 12 महीने वो मंडी चलाते हैं, यानी मछली हर वक्त सेल हो रही होती है। जैसे ही हम मंडी में माल अपना लेके जाते हैं, वो अनलोड करते हैं, वहाँ उनके लड़के होते हैं, वो फौरी तौर पे अनलोड गाड़ी से साइजिंग शुरू कर देते हैं। आधा किलो की मछली एक तरफ 3 पाव की, एक तरफ किलो की, एक तरफ 1.5 से 2 किलो की एक तरफ फेंकते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि हर एक का रेट डिफरेंट होता है, यानी आधा किलो का अपना रेट है, किलो का अपना रेट है, 2 किलो का अपना रेट है, तो वो साइजिंग करते हैं और उसके मुताबिक फिर वो हमसे उस दिन मंडी का रेट वेरी करता रहता है। से अगर आज आधा किलो का रेट 4,400 रुपये, नेक्स्ट डे हो सकता है 4,600, 5,000 हो, फिर एकदम 4,200 पे आ जाए, ये वेरी करता है, वहाँ डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर होता है कि इस वक्त डिमांड क्या है। इसमें शक नहीं है, ये डेफिनेटली मतलब है कि अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जो अभी तक मुझे समझ आ रही है, जो अभी तक हम शिकार करा चुके हैं, हमें ये लगता है कि मतलब है कि पहले साल हमें थोड़े चूँकि एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, अब नेक्स्ट कमिंग उसमें हमें एक्सपेंसेस नहीं होने हैं और इंशाल्लाह इसमें से हम प्रॉफिट ही निकालेंगे, और ये अच्छा प्रॉफिट देता है, बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है, सिर्फ अच्छा नहीं देता। तो बाकी बिजनेस है, आप शुरू करते हैं आपको ये डर होता है कि यार मैं इसकी मार्केटिंग कैसे करूँगा, इसको सेल कैसे करूँगा। ये मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी इसको मैं मार्केट में लेके गया हूँ, वहाँ पे विद इन हाफ आवर सारी मछली बिक जाती है। ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ, ना मैंने किसी और फार्मर को देखा है जो वहाँ अपनी मछली लाया हो और उसकी बिकी ना हो और वो वापस लेके गया हो, वो मतलब है कि इसकी सेल करना कोई इशू नहीं है, फौरन बिक जाती है। बस आप लोग अल्लाह का नाम लें, इसको शुरू करें, बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है, इंशाल्लाह इसमें नफ़ा है।
زراعت سے متعلق کسی بھی قسم کی رہنمائی کے لیے باخبر کسان موبائل اپلیکیشن یا ہیلپ لائن پر کال کر کے اپنے زرعی ماہرین سے مشورہ طلب کریں۔ مزید زرعی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے باخبر کسان یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیوز بر وقت دیکھنے کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔